आज की डेट दी हुई है। टिश्यू क्या है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। हम लोग सेल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन सेल्स से तो हमारी पूरी बॉडी बनी है, लेकिन जब वो सेल्स एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। इस तरह ये छोटे छोटे गोल गोल देख रहे हैं, ये सेल है आपके, और ये सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा टिश्यू। टिश्यू हमारे एनिमल में भी होता है, यानी हम में भी होता है, जानवरों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो हम आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका था कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो प्लांट में पाया जाता है उसका अब हम थोड़ा चार्ट में आएंगे। इस तरह देखिए चार्ट दिया हुआ है कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसको उर्दू में अगर हम बोल सकते हैं तकसीम पजीर और ना तकसीम होने वाले। यानी प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो तकसीम होते हैं, जिनमें ग्रोथ होता है, तकसीम होंगे तो बढ़ेंगे। जैसे हम लोग के भी बॉडी में मसल्स बढ़ता है तो हम लोग का हाइट, लंबाई, चौड़ाई ये सब बढ़ता है। इसी तरह प्लांट में भी सेल्स तकसीम होते हैं और उसमें वालिदगी होती है। लेकिन पैरेन्काइमा कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक हद तक पहुंच जाते हैं और तकसीम नहीं होते, ठीक है। अब हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टाइप मैंने लिखा है, बारी बारी देखेंगे, एक साथ देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला दो टाइप्स है हम बता चुके, तकसीम पजीर और गैर तकसीम पजीर। तकसीम पजीर में कोई खास किस्में नहीं है, पर इसकी एक किस्में हैं उसकी पोजीशन के हिसाब से, मतलब वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो तीन तरह है, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल का हम पोजीशन दिखाए हैं। एपिकल जो खास तौर पर हमारे पौधा, अगर ये पौधा मानते हैं तो पौधे के बलाई हिस्सों में पाया जाता है। इंटरकैलरी हमारे साइड दरमियान हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ से शाखें निकलती हैं, देख सकती हैं आप लोग। और लैटरल हमारे जो पौधे की चौड़ाई में मदद करता है, और ये बढ़ते रहते हैं, जैसे कि हम बोल चुके हैं तकसीम पजीर, यानी ग्रोथ उनमें होता रहता है, ठीक है। उसके थोड़ा मेरिस्टेमेटिक की कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, इस पर अभी ध्यान ना दें, अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पे मैंने खासकर खसूसियत लिखी है जो देना लाजमी है। तकसीम पजीर बता चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक तकसीम पजीर होता है, तकसीम होती है उनमें। दीवारें उनकी पतली होती हैं, यानी जो सेल से वो बने होते हैं उनकी दीवारें पतली होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है उन सेल में वो काफ़ी बड़ा होता है। खाली जगह खुलियों के दरमियान नहीं होती है। देखिए किस तरह ये खुली है, जो सेल गोल गोल हम बनाए उसके बीच में कोई जगह नहीं है, क्रॉस किया हुआ है, यानी उन सेल के दरमियान कोई जगह नहीं होती। खुलिये जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक का है, और इसका टाइप्स आप एकदम आराम से देख चुके हैं, क्लास में भी समझा चुके हैं। अब आते हैं पैरेन्काइमा की तरफ। पैरेन्काइमा हम पहले ही बता चुके हैं, ना तकसीम होने वाले, जिनमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स आता है। सिंपल यानी यकसा खुली है, जो एक तरह की खुलियों से मिलकर बना होता है, इनका साइज सब बराबर होता है, ठीक है, और वो हमारे पौधे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए सपोर्टिंग सेल। और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अलग खुलियों से मिलकर बना होता है, और अलग खुलियाँ हम लोग आप पढ़ेंगे कैसे कैसे अलग खुली होते हैं। और इनको कंडक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पौधों के जिसमें, पौधों की पूरी बनावट में गिजा मादे को बाकी हिस्सों तक कंडक्ट करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं। आते हैं पहले सिंपल की बात करते हैं, जो हम बोल चुके हैं यकसा खुलियों से मिलकर बना होता है, उनकी तीन किस्में हैं। और अब तीन किस्मों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह हमने मेरिस्टेमेटिक का पढ़ चुके हैं खसूसियत, हम पैरेन्काइमा का भी खसूसियत पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इन दोनों में फ़र्क जानने का। तो पैरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में फ़र्क, परमानेंट टिश्यू का आप खसूसियत देख सकती हैं, तकसीम नहीं होते, ये तकसीम होते हैं या तकसीम नहीं होते। इनकी दीवारें पतली होती हैं, खुलियों की दीवारें, इनकी खुलियों की दीवारें मोटी होती हैं। न्यूक्लियस इनमें बड़ा होता है, न्यूक्लियस इनमें छोटा होता है। खाली जगह इनके दरमियान होती नहीं है, लेकिन इनके जो सेल होते हैं उनके दरमियान खाली जगह होती है। इनके खुलिये छोटे होते हैं, इनके खुलिये बड़े होते हैं। इस तरह तकसीम कर ये आप लोग फर्क करके पढ़ेंगे तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच में फर्क भी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं बात करते हैं सिंपल के टाइप्स के बारे में। सिंपल के टाइप्स तीन तरह के हैं, आप लोगों को हम फर्क भी लिखवा चुके थे, फिर भी मैंने एक फर्क लिख दिया है, आप लोग देख लें। जिस तरह आप देख सकती हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने लिखा है, आप लोग इसको सेंटेंस में लिखने की कोशिश करिएगा। जिंदा खुलिये होते हैं, मतलब जिंदा खुलियों से मिलकर बने होते हैं, ये भी जिंदा खुलियों से बने होते हैं, लेकिन
ये जो होते हैं जिंदा खुलियों से नहीं यानी मुर्दा खुलियों से मिलकर बने होते हैं। मुर्दा खुलियाँ मतलब उनमें तकसीम बिल्कुल भी नहीं होता, वो एकदम मुर्दा हो जाते हैं। खुलिये छोटे और गोल होते हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग डायग्राम से भी समझ सकती हैं। डायग्राम में देखिए इनके जो खुलिये मैंने बनाए हैं काफ़ी छोटे और गोल गोल होते हैं। इनके खुलिये लंबे और ना हमवार हैं, देखिए लंबे हैं पॉलीगॉन की तरह लेकिन ना हमवार है, कहीं छोटे कहीं बड़े होते हैं। इनके खुलिये लंबे और हमवार हैं यानी ये लंबे हैं और एक जैसे साइज के होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा में खुलिये की दीवारें पतली होती हैं, इनकी दीवारें कहीं पतली कहीं मोटी होती हैं, इनकी दीवारें हर तरफ से मोटी ही होती हैं। दीवार, अब यहाँ दीवार किसके बारे में, खुलियों की दीवार के बारे में बोल रहा है। देखिए जैसे मैंने डायग्राम में बताया खुलिये की दीवार किसी माध्य से बनी होती है, उनका मां नाम है सेल्यूलोज। पैरेन्काइमा में सेल्यूलोज से बनी होती है, कोलेन्काइमा में आपका सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों से मिलकर बनी होती है, और आपको स्क्लेरेन्काइमा में खुलिये की दीवार लेग्निन से मिलकर बनी होती है। मैंने लेग्निन दिखाया नहीं है पर इसकी दीवारों में लेग्निन होता है। इन खुलियों के दरमियान खाली जगह होती है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं स्पेस मैंने लिखा है। पैरेन्काइमा, हमारा जो पैरेन्काइमा है उसमें खुलियों के दरमियान स्पेस होता है, इनमें नहीं होता स्पेस। काफ़ी इन लोग कहीं होता है कहीं नहीं होता है पर ज़्यादातर नहीं होता है स्पेस। इनके जो स्क्लेरेन्काइमा है इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, नो स्पेस। ये मैंने थोड़ा चिपका के अलग अलग बनाया दिखाने के लिए पर ये एकदम चिपके पड़े होते हैं, इनमें कोई स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ पित होते हैं, पित गांठ होते हैं, वो आप लोग पढ़ लेंगी बुक में। हम अब मुकाम कि ये सेल्स जो होते हैं हमारे टिश्यू सिंपल टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है यानी क्लोरोफिल, रंगदार मादा, सब्ज रंगदार मादा, तो ये हमारे नर्म हिस्सों यानी पत्तों और तनों में पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता फिर भी ये तनों में या फलों में पाए जाते हैं। ये तनों की आपका पेटियोल्स वगैरह में भी देख सकते हैं जहाँ थोड़ा सख्त होते हैं उन हिस्सों में तनों के। और ये जो होते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं मुर्दा हैं तो ये जड़ों में पाए जाते हैं, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट यानी सब्ज हिस्सा नहीं होता। जानती हैं आप लोग कि जड़ों में तो सब्ज हिस्सा होता ही नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग, अब पीछे आ जाते हैं थोड़ा। परमानेंट टिश्यू पढ़ लिखे हैं, मेरिस्मैटिक परमानेंट उनके टाइप सिंपल वाले पढ़ लिए हैं, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। आप लोग इनका काम पढ़ लीजिएगा, काम इनका यक्षा ही होता है तीनों का, इसीलिए हम इनमें फर्क नहीं है, इसको हमको पढ़ना है। जाइलम और फ्लोएम जो कि अलग अलग खुलियों से बने होते हैं इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। आइए पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम जो जड़ का मुकाम, ये तना का मुकाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ज़्यादातर ये जड़ों में पाया जाता है, ये तनों में पाया जाता है। इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाकर कहीं देखेंगे तो उनको हम बोलेंगे वैस्कुलर बंडल। अब देखिए जड़ का मुकाम यानी जाइलम होता है जड़ में पाया जाता है, तो किस तरह होता है वो टिश्यू, उसमें भी सेल होंगे तो कैसे सेल होंगे, उसमें उनमें मोटे खुलिये होंगे, मोटे सेल होंगे जो लेग्निन से मिलकर बने होंगे, मतलब उनकी दीवारों में लेग्निन पाया जाएगा। लकड़ीदार यानी खास तौर पर ये सपोर्ट देते हैं, मजबूती फराहम करते हैं हमारे पौधे को या दरख्त को, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका काम यह है कि पानी और मादिनियात ऊपर ले जाना। हम जानते हैं कि जड़ का काम पानी को जज्ब करना होता है और क्योंकि ये जड़ों में पाए जाते हैं तो ये जड़ों से पानी और मादिनियात को जज्ब करके ऊपर की तरफ पौधे के ऊपरी हिस्सों में पहुंचाते हैं। यहाँ फ्लोएम का पढ़ सकते हैं, तना का मुकाम यानी तनों में पाए जाते हैं। ये क्या है इनके खुलिये, ये भी टिश्यू है तो या जाहिर सी बात है खुलियों से मिलकर बने होंगे, इनके खुलिये पतले या मोटे होते हैं लेकिन सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं, लेग्निन से नहीं। ये नर्म होते हैं काफ़ी, चूंकि लकड़ीदार थे काफ़ी मजबूत थे लेकिन ये नर्म होते हैं। इनका काम है पत्तों से यानी पत्ते हम जानते हैं खाना बनाते हैं हम लोग का, तो गिजा को पत्तों से, पत्तों में ही रहना जरूरी नहीं, गिजा को बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। ये तीन पॉइंट एकदम लिखना जरूरी है। अब इनके कुछ हिस्से हैं क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरह के खुलियों से मिलकर बने होते हैं, तो कितने तरह के खुलिये होते हैं। जाइलम में देखेंगे चार तरह के खुलिये होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर सब मुर्दा खुलिये हैं क्योंकि हम बहुत लकड़ीदार होते हैं। सिर्फ एक जो पैरेन्काइमा देख रही हैं जिंदा खुलिये हैं, उसके अलावा ये तीनों मुर्दा खुलिये हैं। इनकी बनावट यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि ट्रैकिड्स जो होते हैं वो पतले होते हैं सरों में और बीच में मोटे होते हैं, लेग्निन से मिलकर बने होते हैं, जो कि जाइलम भी लेग्निन से बना ही होता है, ये जाइलम का ही हिस्सा है।
ये लकड़ीदार होते हैं, लकड़ी वाला हिस्सा मुर्दा है और नली की तरह, नली की तरह दिख रही है आप लोग को। फिर आप वेसल्स की तरफ आएंगे, वेसल्स इसमें आप लोग का मुर्दा ही होते हैं, ये पाइप की तरह होते हैं, यानी जो हम लोग का पानी वो जस्ब करते हैं तीसरे हिस्से से ऊपर की तरफ जाता है। इनमें बॉडेड पेट्स होते हैं, ये तीन बात आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आपका है पैरेन्काइमा, जो हम बता चुके हैं, ये वाहिद जिंदा खुलिया होता है जाइलम का, ये भी लंबे इस तरह के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये भी कंडक्टिंग का काम करते हैं, यानी पानी को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं और खासतौर पर पत्तों तक पहुंचाते हैं जहां वो गिजा बना सके। फाइबर्स में आते हैं हम लोग का, फाइबर्स भी मुर्दा होते हैं, ये भी लकड़ीदार होते हैं, इनमें पित्त पाया जाता है, ये भी रेशे की तरह ही होते हैं और पौधे को मजबूती फराहम करते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम का आप लोग को दिख रहा है काम, हम बता चुके हैं उसका, उसके बारे में पूरा हम डिटेल दे चुके हैं, उससे बीच में फर्क भी आप लिख सकती हैं, इन दोनों के बीच में इनका फर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी अलग अलग खुलियों से बना है, चार, ये भी चार खुलियों से बना होता है। इन चारों खुलियों का नाम आप रेड में देख सकती हैं, रेड वाला है। इनमें ज़्यादातर जिंदा होते, क्योंकि जाइलम में ज़्यादातर मुर्दे थे, एक ही जिंदा था ये वाला हिस्सा, लेकिन इनमें सब जिंदे होते हैं लेकिन सिर्फ फाइबर मुर्दा होता है। क्यों मुर्दा होता है? क्योंकि सपोर्ट करता है, और ये एक वाहिद है जो लेगनिन से बना होता है, लेकिन बाकी हिस्से हमारे सेल्यूलोज से ही बने होते हैं। अब आ जाते हैं सीफ ट्यूब। सीफ ट्यूब ट्यूब की तरह होता है, जैसे हम लोग ट्यूब यूज करते हैं उसी तरह होता है। इसमें कुछ कुछ पोर्स होते हैं जिसको सीफ पोर्स बोलते हैं, ये भी सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, ठीक है। ये पार्ट, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो लंबा हिस्सा इस तरह का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला। अब उसी से लगे हुए कुछ आप लोग को झिल्ली टाइप के दिख रहे हैं जिसमें एक डॉट बना हुआ है, ये होते हैं कंपेनियन सेल। हम दोनों का डायग्राम एक साथ बनाए हैं क्योंकि वो लोग एक साथ एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कंपेनियन का मतलब जानते हैं आप लोग, दोस्त, इसीलिए उन लोग दोस्त की तरह चिपके हुए हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है, ये जिंदा होते हैं। इनमें यही फर्क है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है। और भी फर्क है, आप लोग पढ़ लीजिएगा समझने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इन दोनों में। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये गिजा को जमा रखते हैं। पैरेन्काइमा ये जिंदा खुलिए होते हैं आप लोग। फ्लोएम पैरेन्काइमा और यहाँ पे वुड पैरेन्काइमा यानी जाइलम पैरेन्काइमा का फर्क पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए पतले लंबे लंबे होते हैं और जिंदा होते हैं। इसका और भी खसूसियत, लेकिन ये तो खसूसियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करना ज़रूरी है। अब आ जाएंगे हम लोग फाइबर्स के बारे में। हम बता चुके हैं सब जिंदा होते हैं, लेकिन सिर्फ फाइबर ही मुर्दा होता है क्योंकि सपोर्ट करता है। जिस तरह इसमें भी फाइबर सपोर्ट करता था जाइलम में, तो फ्लोएम का भी जो फ्लोएम फाइबर्स होता है।